आज मैं और मिस्टर मीट आमने सामने हैं। मैं अपने सिटी के लोगों को बचाने के लिए अपने ही पुराने दोस्त मिस्टर मीट को मारने वाला हूँ। हाँ गाइस, ये मेरा पुराना दोस्त था और हम लोग साथ में घूमते फिरते थे। बट अचानक एक दिन मुझे कुछ ऐसा पता चला कि मेरी आंखें खुल गई। फिर मैंने इसको समझाया बट ये नहीं माना, और अब मुझे अपनी सिटी के लोगों को बचाने के लिए इसको यहाँ से भगाना पड़ेगा, और अगर ये नहीं भागता तो फिर मुझे इसको मारना पड़ेगा। आज ये रहेगा या फिर मैं। लेकिन हुआ क्या था? धंधा कैसा चल रहा है मेरे मित्र? अब आप है तो क्या टेंशन सुपर हीरो जी? वही तो, मैं तुम लोगों की रक्षा के लिए हूँ। अरे आपका धन्यवाद। ठीक है, मैं चलता हूँ। लेकिन एक दिन जब मैं अपने खूबसूरत बंगले को बाहर से देख रहा था, तब मुझे अचानक से आवाजें आने लगती है लोगों के चिल्लाने की, और मैं बाहर जाने लगता हूँ। जैसे मैं अपने गेट के पास आता हूँ, वैसे ही अचानक से जमीन के अंदर से लोगों की मुंडियाँ निकलती है, लोगों की शक्ल, और पूरे के पूरे लोग निकलते हैं। अरे तुम जमीन के अंदर से कैसे निकले? तुम्हारे दोस्त मिस्टर मीट ने हमारे साथ धोखा किया। उसने हमें वड़ा पाव खिला के मार दिया। ये क्या बोल रहे हो तुम लोग? हाँ, उसने हमको वड़ा पाव खिला के मार दिया। ये क्या है? अगर तुमको मार दिया तो तुम यहाँ कैसे हो? ये हमारी आत्मा है। हम भूत बनके तुझसे ये कहने आए हैं कि बचा लो हमारी सिटी को और हमारे लोगों को। ये लोग सच बोल रहे हैं या झूठ, ये जानने के लिए मैं अभी जाता हूँ मिस्टर मीट के पास और उससे पूछता हूँ कि मामला क्या है। बच के रहना सुपर हीरो, वो तुम्हें भी मार सकता है। ये लोग क्या बोल रहे थे मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मेरी सिटी के लोगों को बचाने के लिए मैं हमेशा जिंदा हूँ। फिर मैं अपनी फेवरेट बाइक लेके निकल पड़ता हूँ मिस्टर मीट के पास, ये जानने के लिए कि सच्चाई क्या है। लेकिन क्या गाइस, इतने ज्यादा लोग झूठ बोल सकते हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता कि इतने ज्यादा लोग झूठ बोलेंगे, क्योंकि ये मेरे सिटी के लोग हैं। अभी जाके मिस्टर मीट से पूछता हूँ उसने क्या किया है। मिस्टर मीट तो यहाँ पे है ही नहीं, मैं कब से यहाँ पे उसका इंतजार कर रहा हूँ, बट कहीं वो दिख ही नहीं रहा। एक सेकंड, वो आ गया। अबे कहाँ गया था तू? वो सामान खत्म हो गया था, लेने गया था। दुकान खुली छोड़ के सामान लेने गया था? मेरे सिटी के लोग तेरे बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं। बता तूने क्या किया है उनके साथ? अरे वो सिर्फ आपके ही नहीं, मेरे भी दोस्त है। मैंने उनके साथ कुछ गलत नहीं किया, आखिर मेरा भी तो फर्ज बनता है उनकी रक्षा करना। दोस्तों मेरा शक गलत था, मेरे सिटी के लोगों ने ऐसे ही झूठ बोल दिया होगा और मैं अपने ही दोस्त पे शक करके उसको मारने के लिए चला गया था। बढ़िया बात तो गलत निकली। चलो अब मैं घर में आ गया हूँ तो टीवी देख लेता हूँ। लेकिन पता नहीं वो लोग मिस्टर मीट के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे थे। देखिए हमारे सिटी का मिस्टर मीट नाम का राक्षस कैसे इंसानों को खा रहा है, सारे इंसानों को मार मार के खा रहा है। हमें खा जाओ प्लीज, हमें खा जाओ। ये लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मेरी सिटी में ये सब चल रहा था और मुझे पता ही नहीं था। मैंने इस मिस्टर मीट को अपना दोस्त समझा था, बट इसने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। अब मुझे जाके उसको समझाना पड़ेगा कि उसके पापों का घड़ा भर चुका है। अभी उसने जितना भी पाप किया है उसकी सजा तो उसको मिलेगी, बट उसके बाद अगर वो सुधर जाता है तो हम उसको जान से नहीं मारेंगे, क्योंकि उसने हमारी सिटी के लोगों को इतने ज्यादा बेरहमी से मारा है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई कि वो लोग खुद ही बोल रहे थे कि मुझे खाओ मुझे खाओ, आखिर ऐसा क्यों था? और मिस्टर मीट आखिरकार उनको क्यों मारेगा? मेरे मन में काफी सारे सवाल है, लेकिन जवाब तो एक ही है कि मिस्टर मीट हत्यारा है। गाइस मिस्टर मीट अपनी दुकान बंद करके कहीं भाग गया है, उसने अपनी दुकान बंद कर दी है। 4 घंटे से मैं वेट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे किसी ने बोला कि मिस्टर मीट भाग गया है, क्योंकि वो मेरे से डर गया होगा। गाइस आखिरकार मिस्टर मीट कहाँ जा सकता है? कहीं वो मेरे डर से सिटी छोड़ के भाग तो नहीं गया? जल्दी से वीडियो को लाइक करो ताकि मुझे कोई रास्ता मिल सके, मुझे कोई फोन आ जाए। अच्छा मतलब आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर ही दिया। हेलो, बचा लीजिए, मिस्टर मीट बहुत बड़ा राक्षस बनके सिटी में तबाही मचा रहा है। वो इतना बड़ा कैसे बन गया और मैं कैसे बचाऊं? अरे वो तो आपको चपचप आंटी से पूछना पड़ेगा। आखिर मिस्टर मीट इतना बड़ा कैसे हो गया? अब तो ये राज चपचप आंटी ही बता सकती है। चलो गाइस मैंने चपचप आंटी का घर देखा है, आंटी से जाके पूछते ऐसा क्या राज है। ये रहा चपचप आंटी का घर, लेकिन आंटी दिखाई नहीं दे रही। हेलो चपचप, चपचप आंटी तेरे पीछे हूँ, क्या हुआ बता। मिस्टर मीट बहुत ज्यादा ताकतवर और बड़ा हो चुका है, एकदम राक्षस की तरह है। इतनी ताकत उसके पास कहाँ से आई?
बताओ मुझे वो इतना ताकतवर कैसे बन गया और मैं उसको कैसे हराऊंगा। अरे वो तो जंगल में डॉक्टर चमन रहता है, उसके पास ये दवाई खा खा के वो इतना ताकतवर और इतना बड़ा बन गया। अच्छा अच्छा जुरासिक पार्क में रहता है, ठीक है मैं जाता हूँ। गाइस अगर मुझे मिस्टर मीट को हराना है तो मुझे भी उसके जितना पावरफुल और उसके जितना बड़ा बनना पड़ेगा, और ये सिर्फ मुझे डॉक्टर चमन ही बना सकते हैं। अब गाइस फटाफट से जुरासिक पार्क चलते हैं और डॉक्टर चमन से मिल के बात करते हैं। मैंने जुरासिक पार्क में जाके डॉक्टर चमन से बात की। उनके हिसाब से मिस्टर मीट एक आम और कमजोर इंसान हुआ करता था, लेकिन उसको लोगों ने बहुत ज्यादा परेशान किया। फिर उसने लोगों से बदला लेने के लिए अपना खुद का एक लैब टाइप घर बनाया और उस घर में वो लोगों को किडनैप करके लाता था, फिर उनको मार मार के खा जाता था। डॉक्टर चमन को पता चल गया और मिस्टर मीट ने बदला लेने के लिए डॉक्टर चमन की बेटी को किडनैप कर लिया और सुअर बना दिया। मिस्टर मीट ने बोला था कि अगर डॉक्टर चमन उसके लिए ताकतवर दवाई बनाता है तो वो उसकी बेटी को छोड़ देगा, लेकिन डॉक्टर चमन की बेटी को अभी तक मिस्टर मीट ने नहीं छोड़ा, तो हमें डॉक्टर चमन की बेटी को भी बचाना पड़ेगा। ये सब सुनने के बाद मैं शॉक हो गया, क्योंकि मिस्टर मीट ने डॉक्टर चमन की बेटी के साथ साथ हमारे सिटी के बहुत सारे लोगों को किडनैप किया हुआ था और सबकी जान बचाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अब होने वाला था महायुद्ध, क्योंकि अब मैं जाऊंगा मिस्टर मीट के घर, लेकिन आप लोगों को इसमें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। अगर आप मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करते हो और कमेंट में पार्ट 2 लिखते हो तो पार्ट 2 के अंदर हम मिस्टर मीट को मार देंगे। अगर आप चाहते हो कि सारे के सारे सिटी के लोग बच जाए और उसकी बेटी भी बच जाए और मिस्टर मीट को मार दे, तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में पार्ट 2 लिख दो। मिलते हैं पार्ट 2 में, जहां हम इस मिस्टर मीट का खात्मा करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।